पातंजल योग सूत्र साधन पाद सूत्र क्रमांक 12 अब कहा जाएगा। पातंजल योग सूत्र साधन पाद सूत्र क्रमांक 12 अब कहा जाएगा। दृष्टा मूल है, क्लेश मूल है, कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है। क्लेश मूल है, कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है। पिछले सूत्र में कहा गया कि ध्यान के द्वारा जो छोड़ने योग्य वृत्तियां हैं वो छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब आगे ये कहा जा रहा है कि कर्म का मूल क्लेश ही है, तो क्लेशों से कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर उन कर्मों का फल इस जीवन में या अगले जीवन में भोगना पड़ता है। जैसा भी उनका फल हो, कर्मों का जैसा भी फल हो, वो इस जीवन में भोगना होता है या अगले जीवनों में भोगना होता है, कहीं भी कभी भी, लेकिन वो फल भोगने होते हैं। ये कर्म कैसे होता, कहाँ से आता है और उसके फल का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा ये सूत्र बता रहा है। कर्म क्लेशों से उत्पन्न होते हैं और उनका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जीवन में भोगा गया हो चाहे अगले जीवन में भोगा गया हो, लेकिन भोगना उसको होता है। ये सूत्र इसको स्पष्ट कर रहा है, कर्म, कर्म का फल और उसका भोग, भोग कैसे होगा ये स्पष्ट करता है।